हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, इस पर आप क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य जी जो है हिंदू राष्ट्र पे काम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं, हमने अपने व्याख्यानों में ये चीज कही है कि किसी भी तरह से सनातन भाई जागे और सनातन धर्म अग्रण्य रहे। आज चारों तरफ इसको तोड़ने वाले लगे हुए हैं। कोई कहता है कि अगरबत्ती, हमने कल परसों भी कथा में कहा कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती मत लगाइए। हम कहते हैं वो विश्वास से शिव जी के मंदिर जा रहा है, आप शंकर जी को एक लोटा दूध चढ़ा रहे हो, आपको कैसे मालूम कि ये गाय का है कि भैंस का है? आपने तो विश्वास रखकर गाय का दूध समझ के ही शिव जी को चढ़ाया है, तो शंकर जी उसी गाय के भैंस का, गाय भैंस के दूध को भी गाय का समझकर स्वीकार कर रहे हैं। आप दिल से क्या भजन कर रहे हैं? आप हृदय से भगवान को क्या पूछ रहे हैं? मूल चीज वहां आती है। तो अगर आज सनातन धर्म की अग्रण्यता है तो उसके लिए बहुत श्रेष्ठता वाली बात है, और जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ पूरा राष्ट्र खड़ा हुआ। धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, धर्मांतरण कराने वालों और करने वालों से आप क्या कहना चाहते हैं? धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, धर्मांतरण कराने वाले और करने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? धर्मांतरण के लिए तो पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो धर्मांतरण करवा रहे हैं या धर्मांतरण के लिए लोगों को कह रहे हैं कि इस धर्म को छोड़ दो, उस धर्म को छोड़ दो, हम तो कहना चाहेंगे पहले उनके पिताजी और माताजी से पूछ के आओ वो कौन से धर्म के थे। मूल तत्व वहाँ है। आज जो धर्मांतरण करा रहे हैं, संकल्प दिला रहे हैं, पहले उनके दादा परदादाओं से पूछा जाए कि उन्होंने कभी शिव मंदिर में गए थे, राम मंदिर में गए थे कि नहीं गए थे, कभी अगरबत्ती लगाई कि नहीं लगाई, सोमवार मंगलवार का व्रत करा कि नहीं करा, जब उनके पूर्वज उसको मानते हुए आ रहे हैं। और आज के बच्चे अगर खड़े होकर संकल्प दिला दें कि आप इस धर्म को ना पूजिए या सनातन धर्म से दूर हट जाइए, तो ये उनकी विपरीत बुद्धि है, ये उनको, वो खुद नहीं कर रहे हैं, ऊपर से कहीं प्रेशर आकर उनसे कराया जा रहा है। ये वो खुद भी नहीं चाहते कि हम संकल्प दिलाते समय वहां खड़े रहें या संकल्प दिलाएं, ये ऊपर से प्रेशर है, और इतना उनकी जेबों में माल रख दिया जाता है कि उनको प्रेशर में आकर वो धर्मांतरण कराना ही पड़ता है। पंडित जी, एक सवाल ये है, एक सवाल ये रिलेटेड क्वेश्चन है, ज्ञान वापसी पर आपके विचार क्या है? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा भी काशी में हुई थी, हमने उसमें भी कहा है कि शिव शिव है, विश्व केवल भारत नहीं, पूरे विश्व की भूमि को कहीं से भी खोदेंगे उसमें कंकर शंकर निकलेगा जरूर। ये सारी मूर्तियों का निर्माण तो बाद में हुआ है, जब द्वापर आया, त्रेता आया, सतयुग आया, तब इन मूर्तियों का निर्माण हुआ है बाकी की, पर शिव मूर्त का निर्माण तो पुरातन समय से रहा हुआ है। किसी भी भूमि को आप नीचे से खोदेंगे उसमें शिव मिलेगा, ये कुछ भी नहीं था केवल सनातन धर्म के सिवाय और सनातनी के सिवाय। तो हम तो ये जानते हैं कि निर्णय बाबा ही देगा और निर्णय बाबा के पक्ष में ही रहेगा। महाराज जी, कथा से जुड़ा सवाल है, एक लोटा जल और समस्या का हल, इसको बताइए। चढ़ा कर देखिए, मजा आएगा। शिव बाबा की कृपा है, एक लोटा जल से महत्व है। माता पार्वती जी शंकर भगवान को जल चढ़ाती थी, सती मैया ने भी शिव जी को जल चढ़ाया है, अब भगवान गणेश जी महाराज, श्री हनुमंत लाल जी, भगवान राम जब अयोध्या से चले थे लंका तक गए हैं, बीच मार्ग में उन्होंने जितनी भी जगह रुके हैं वहां शिवलिंग का निर्माण करा है, जल समर्पित करा। उस जल का महत्व केवल इतना सा नहीं है कि जल अपन ने चढ़ाया, जिस जल को हम शिव जी पर चढ़ा रहे हैं उसमें हमारे हृदय का भाव जुड़ा हुआ है। हम पहले ऐसा होता था कि जब व्यक्ति को दुख होता था तो वो नयन से अश्रु से भगवान के चरण धोता था, उस भाव को हमने इस जल से लिया है कि अपने दिल की बात, अपन कितने अंदर से कचोटे गए हैं, कितना तकलीफ अपने जीवन में है, तो जल के माध्यम से अपन शिव जी से अपने हृदय की बात कह दें, इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा है। पंडित जी, बच्चों के पास होने के लिए एक उपाय बताया गया आपकी कथा में, बच्चों के मैं तो यही कहूंगा, शिव जी की कृपा सब पर बनी रहे, बाबा देवाधिदेव महादेव की, और भगवान शंकर की आराधना के सिवाय कोई सुख नहीं जीवन में। फिर भी मेरा
हमेशा निवेदन रहा है कि जहाँ कहीं भी अपने को वैभव की कमी लगती है तो हमारे यहाँ शिव महापुराण में जैसे काली मिर्च का प्रयोग बताया गया है, काली तिल का प्रयोग बताया गया है, उसी तरह कमल गट्टे के जल का प्रयोग बताया गया है कि शुक्रवार के दिन अगर कमल गट्टे का जल हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, जैसे भगवान विष्णु ने अपने कमल नेत्र शिव जी को दिए थे, उसी तरह हम तो भगवान को अपना नेत्र निकाल कर दे नहीं पाते, तो कमल गट्टे का जल अगर समर्पित करते हैं तो शिव जी ने जैसे भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी, वैभव दिया, वैकुंठ दिया और अपना सुदर्शन चक्र दिया, तो हम ये मानते हैं कि कमल गट्टे का जल अगर शिव जी को चढ़ाया जाता है तो उससे लक्ष्मी भी बढ़ती है, आरोग्यता भी आती है और वैभव भी प्राप्त होता है। जब पहले जब आप बताए कि काफी कठिनाइयों का सामना आपने किया, लेकिन अभी अगर आप जो भी उपाय बताते हैं लोग करते हैं तो ये बताते हैं कि डॉक्टर के ऑपरेशन से बचे, डॉक्टर बोलते थे बहुत ऑपरेशन करना पड़ता था, लेकिन आपके दिए गए बातों से जैसे विश्वास करके वो आप जैसे बोलते हैं एक लोटा जल चढ़ाइए फिर उसको जिस भी जगह पर परेशानी उस जगह पर लगाए तो फिर वो जो बीमारी वो ठीक हो जाएगी, तो काफी लोगों की बीमारी भी ठीक हुई है, तो ये कैसे मतलब कैसे संभव हो पाया? विश्वास के साथ में हमने कभी भी अपनी व्यासपीठ से ये नहीं कहा, ये नहीं बोला कि आप डॉक्टर का इलाज बंद कर दीजिए, हमारी व्यासपीठ से हम हमेशा कहते हैं डॉक्टर के पास जाते रहिए साथ में विश्वास शिव जी को लेकर जाइए। जैसे आपको दवाई लेना है तो आप मेडिकल पर जाकर खड़े हो जाएंगे और आपके पास में अगर रुपया नहीं है तो दवाई का मेडिकल वाला तो आपसे कह देगा ना पहले पैसा दीजिए इसके बाद ही दवाई मिलेगी, तो रुपया जैसे अपने जेब में है तो अपने को विश्वास है कि मैं 10,000 की भी दवाई खरीद कर ला सकता हूँ और डॉक्टर से भी कह दिया तुम्हें जितनी लिखना लिख दो मैं लाकर अब भी 2 मिनट में देता हूँ, उसी तरह शिव रूपी विश्वास जब हमारे साथ में है तो आप किसी भी डॉक्टर के पास खड़े हैं ये निश्चित है वहां से आप जीत कर जरूर रहेंगे। महाराज जी, महाराज हर घर में जो है वो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, बच्चे से लेकर जो है वो युवा पीढ़ी तक उसमें त्रस्त हो गए, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि कम से कम हमारी भारतीय संस्कृति बची रहे? हम तो इतना कहना चाहेंगे आपका परिधान से मतलब नहीं है और आप खूब पढ़े, खूब उन्नति करें, विद्वान बने, पर साथ में मूल चीज यह है कि घर के जो संस्कार हैं, घर के जो माता पिता के संस्कार हैं वो हमारे जीवन में रहना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि विदेश ना जाइए या आप अंग्रेजी ना पढ़िए, खूब पढ़ो, दिल से पढ़िए, परंतु साथ में हमारे जो मर्यादाएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं उसको ना भूलें। जैसे आज के जमाने में जो नए नए नाटक और फिल्मों का निर्माण हो रहा था, अब तो खैर बहुत कंट्रोल हो गया शिव कृपा से, क्योंकि लोगों ने धीरे 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 नाटक को भूलते हुए शिव पुराण को सुनना चालू कर दिया, तो बहुत कुछ कम हुआ है और उससे उनको मालूम पड़ा कि अपन को अब धर्म को जोड़ना है। जैसे साउथ की जितनी भी फिल्में बनती हैं उसमें हमारा संस्कार झलकाया जाता है, हमारा सनातन धर्म को दिखाया जाता है, मंदिर से शुरुआत होकर मंदिर पर ही विराम दिया जाता है। उस तरह से हमारे आने वाले नाटक सीरियल जितने भी हैं उसको हम थोड़ा सा परिधान को भी बदलें, थोड़े अपने विचारों को भी बदलें, तो हो सकता है नवयुवक टीम और अच्छी होती चले जाए और पाश्चात्य सभ्यता के अंतर्गत थोड़ा सा पीछे हटकर वापस हमारे सनातन धर्म की ओर अग्रणी हो। पेरेंट्स को किस तरह से ध्यान देना चाहिए बच्चों को, खासतौर से धर्म संस्कृति से? बच्चों का आखिरी के दो क्वेश्चन बस, बच्चों का जो जीवन है वो माता पिता पर आधारित है और माता पिता का जीवन बच्चों पर आधारित है। हमारा तो इतना कहना रहेगा कि जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं खूब अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ाए, पर साथ में अपने संस्कारों को भी देते रहे जिससे आने वाले समय में उनको दुख ना हो, कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो। धर्म सत्ता के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, आपने केंद्र की राजनीति देखा है, छत्तीसगढ़ की राजनीति को किस रूप में देखते? राजनीति में धर्म रहा हुआ है पूर्व से ही, ऐसा नहीं है कि राजनीति में धर्म नहीं रहा। जब हमारे दशरथ जी महाराज राजसिंहासन पर बैठते थे, जनक जी बैठते थे, तो उनके साथ उनके गुरु भी बैठते थे, अर्थात कहीं पर भी राजनीति हो, चाहे वो केंद्र से हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, अगर राजनीति के साथ में धर्म के अनुसार राजनीति को अग्रण्य बढ़ाया जाएगा तो ये निश्चित है कि आने वाला समय और राज्य और राजा सुखी रहेगा। कर्म श्रेष्ठ है या आपके जो उपाय हैं वो श्रेष्ठ है? कर्म करो, कर्म श्रेष्ठ है। हम तो खुद व्यासपीठ से रोज चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि कर्म प्रधान है, शिव जी ने भी तो कर्म किया है। अगर भगवान शंकर की धर्म पत्नी माता पार्वती के बच्चे रो रहे हैं, शिव जी ने उनके लिए बैकुंठ जैसा सुख लाकर नहीं दिया,
आज के माता पिता बच्चों को पहले से ही बता देते हैं कि तेरे लाकर में इतना रुपया पड़ा है तो बच्चे कर्म नहीं करेंगे। पर शंकर भगवान ने अपनी औलाद को, अपनी संतान को ये कभी नहीं कहा कि मैंने रावण को सोने की लंका दी है तो मैं तुमको भी दूंगा। शिवजी ने कहा अपनी मेहनत पूर्ण करिए। तो भगवान शंकर के पुत्रों के लिए शिवजी कर रहे हैं कि कर्म करिए, और पुत्र भी कर्म कर रहे हैं, बेटियां भी कर्म कर रही हैं। तो शिव तो हमेशा कहते रहे हैं कि कर्म प्रधान है, तो हम तो ये कहेंगे कर्म करो पर कर्म के साथ में शिव पर विश्वास पूर्ण रखिए। ज्योतिषों का कहना था, ज्योतिषों का मानना है कि रुद्राक्ष जो है एक मुखी दो मुखी जो अलग अलग राशियों के हिसाब से अलग अलग लोगों को धारण करने चाहिए, लेकिन आपने रुद्राक्ष महोत्सव में प्रसादी टाइप का सभी को बांटा था, तो इस पर जो लोग पहनते हैं तो इससे कुछ असर पड़ेगा क्योंकि वो बिना देखे वो पहने? कुछ नहीं, इसमें अगर आप ज्योतिष के अनुसार अगर पहनना चाहते हैं तो ज्योतिष के अनुसार पहन सकते हैं। ये तो शिव सीहोर का जो रुद्राक्ष है वो केवल प्रसाद के रूप में मिलता है, जब रोग बीमारी रहती है तब उसका पानी गला कर पिया जाता है और बाकी के समय में उसको रखा जाता है। उसको धारण करने की जगह जितना आप रखेंगे उतना फलदायक रहेगा। सभी को श्री शिवाय।